मिशन 25 को लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदेश में जनसभाएं कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ सचिन पायलट अलग अलग जनसभाएं करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। सोमवार को उप मुख्यमंत्री पायलट ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ में मंत्री रघु शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला भी मौजूद रहे। पायलट ने कहा कि अजमेर से कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को मौका दिया है जो अजमेर में विकास पुरुष के रूप में साबित होंगे। इस दौरान A1 टीवी से खास बातचीत में पायलट ने कहा कि कांग्रेस मिशन 25 में कामयाब होगी। मंगलवार को राहुल गांधी बेणेश्वर धाम में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं 25 अप्रैल को अजमेर और जालौर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कांग्रेस में क्या काम करें क्या नहीं करें वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं और मेरे बाद जो लोग आएंगे बोलने वो आपको बताएंगे, चाहे वो मनरेगा का काम हो, पानी की योजना हो या न्याय की योजना जो आने वाली है, पेंशन की स्कीम हो, हमारी बहनों को पढ़ाने की स्कीम हो, सरकारी नौकरियों की स्कीम हो, ये सारे काम कांग्रेस ने करे। इस क्षेत्र में निस्वार्थ भावना से सेवा हो, जो व्यक्ति आप चुनकर दिल्ली भेजो वो व्यक्ति इस क्षेत्र में कुछ देने की स्थिति में हो, यहाँ पर निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, ये सोच के कांग्रेस पार्टी ने रिजू जी को यहाँ भेजा है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में गोविंद सिंह जी के समय से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र की ईमानदारी से निस्वार्थ भावना से सेवा उन्होंने करी। हम लोग विधानसभा चुनाव में कामयाब नहीं हो सके, रामनारायण जी चुनाव हारे, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है पूरे प्रदेश में जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया और हमेशा यहां से कांग्रेस मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव की देश भर में धूम है, दो चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का कल मतदान होगा। पीसीसी चीफ और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज अजमेर में अपना प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट हमारे साथ हैं, पश्चिम बंगाल में भी आपने प्रचार किया, असम में भी प्रचार करके आए, क्या माहौल? पूरे देश में बदलाव चाहते हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, भाजपा बेनकाब हो चुकी है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत रही है चुनाव। मिशन 25 को लेकर आप राजस्थान में निकले आज, पूरा कॉन्फिडेंट है अजमेर सहित सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर कल राहुल गांधी जी भी राजस्थान आ रहे हैं, कल राहुल जी आ रहे हैं बांसवाड़ा में, 25 तारीख को यहाँ पे आएंगे, अजमेर भी आएंगे, जालौर भी जाएंगे। तो ये थे सचिन पायलट और अजमेर में आपने देखा पिसांगन में आज सभा की और सभा के बाद सचिन पायलट यहाँ से रवाना हुए हैं और पूरा विश्वास के साथ पूरे मिशन 25 को लेकर राजस्थान में निकले और मिशन 25 कांग्रेस का पूरा होगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी पिसांगन।